Hey, hi guys, what's up? Welcome back to my channel. और आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैंने पहली बार तो नहीं लेकिन मैंने माही को झूठ बोला है. झूठ ये बोला है कि मैं एक्चुअली जा रहा हूँ बैंगलोर शो करने के लिए, कॉर्पोरेट शो करने के लिए, लेकिन एक्चुअली मैं उसे एक दिवाली सरप्राइज देने जा रहा हूँ. आई एम गेटिंग माई किड्स बैक. यस, राजवीर खुशी आर कमिंग बैक. सो मैं स्पेशली जा रहा हूँ बिहार, दरभंगा, जो पटना से करीबन 7-8 घंटे का की दूरी है, वहाँ पर जा रहा हूँ. उनसे उनके घर रहने वाला हूँ एक दिन के लिए और वापस नेक्स्ट डे आने वाला हूँ. लेकिन ये माही को नहीं पता है, इट्स अ सरप्राइज फॉर हर. सो आई होप कि मैं ये सरप्राइज रख पाऊँ. सिर्फ मुझे और मनोज को मालूम है, उनके राजवीर खुशी के पापा को मालूम है. सो सारी टिकटें विकटें सब कुछ हो गई है और आई होप बड़ा एकदम मज़ेदार ये एपिसोड रहे और आपको बड़ा मज़ा आए. चलो फिर वन में निकलना मेरे को. यू ड्रॉपिंग मी ना? हाँ हाँ, सब रख दिया. क्या हुआ? अच्छा, जल्दी जल्दी खा रही हो? जल्दी जल्दी खाओ क्योंकि मुझे एयरपोर्ट में लेट हो रहा है. हाँ, 10 बज गए हैं, 12 बजे की फ्लाइट है. तारा बाय बाय कर दी. यस, बाय बाय. I'm going. And wait a second. I am getting your siblings Rajveer and Khushi. Don't tell anyone, okay? Don't tell your mama. Okay. Okay. Say namaste kar do sabko. Namaste kar do. Namaste. Namaste. Tara. Namaste. Yes. Well, nice. Tata kar lo abhi. Tata. Okay, now flying kiss. Okay. Now show me your hair. Show me your teeth. Where are you looking? Show me your teeth. Yeah. Alright, so guys, airport के लिए जा रहे हैं और as usual माही मुझे drop करने आई है. इतनी आलसी है कि कितनी सुंदर हो. हाँ तो मैं क्या करूँ. हाँ तो बस यही है कि ड्राइविंग करनी नहीं है. बोले कि आधा रास्ता तू करेगा, आधा रास्ता मैं करूँगी. वैसे आज ये मेरी मॉम और अपनी मॉम को भी शॉपिंग के लिए भी लेके जाने वाली है. सो इट्स गोना बी अ क्वाइट बिजी डे फॉर ऑल. वो पागल हो गई है इनको बाहर जाना ही. पैंडेमिक. ये कौन सा वायरस? कोरोना वायरस. यो कोरोना वायरस यो. ओह, व्हाई सो हैप्पी दैट यू नो आई एम लीविंग मुंबई. I'm happy that I'm going to the mall to shop. Achha. And swipe your card. Are you sure, na? Because that this happiness is something else I feel. कि मैं जा रहा हूँ और फिर मैं काम पे जा रहा हूँ. हाँ, कोई सा कोई है तो नहीं ना? हाँ. कोई मेरे बाद कोई ऐसे रमेश सुरेश. Bikini shoot. Only two piece. Bikini shoot. हाँ? अच्छे फ्रेंड्स थे, फिर बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, फिर लवर बॉय हो गए, फिर समथिंग हो गए, फिर बिकनी शूट. रहने दे भाई. हाँ, ऐसा ना बोल. तारा हमेशा कंफ्यूज की रहती जब भी मैं वापस ऐसे एक दो दिन के बाद ट्रिप के बाद आता हूँ तो. सोचती है हमारा नेबर है. हाँ, थोड़ा प्रेम में है ना मैं. वो सोचती है वो हमारा नेबर है. नेबर? यस गाइस, मैं पतली लग रही हूँ क्या? अभी सुबह है तो मेरा फेस थोड़ा सोलन है. मेरा भी YouTube चैनल आने वाला है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. अभी आने तो दे पहले, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे ना. पहले से कैसे सब्सक्राइब करेंगे? अलसी है इतनी ना. अलसी हूँ मैं? हाँ, तो इसमें तो तू अलसी है शूट बूट करने में. अभी जो बच्चा संभाल रहा है 24 घंटे वो कैसे बताओ शूट करेगा. अच्छा, मेरा बच्चा अतरंगी हो गया आजकल. बच्चा पूरी रात उठता है और सुबह जब मैं उठ जाती हूँ तो मेरा बच्चा सो जाता है. मुझे उठा के वो पूरा दिन सोती है आजकल. तो उसने बेसिकली सब स्केड्यूल चेंज कर दिया. वैसे 14 नवंबर दिवाली भाई. दिवाली आ रही है. आप लोग के क्या प्लान्स हैं दिवाली के वैसे? इंटरैक्ट विद एनीवन. या I like the एयरपोर्ट का रास्ता, इट्स सो नाइस. यही एक रास्ता है पूरे मुंबई में जो पूरा का पूरा खाली रहता है. ऐसा कौन सा? हां, फिर भी तारा इज गोना मिस यू. हां, वो ठीक है. एंड वी लव यू. आई डोंट बिलीव दैट यू विल मिस मी, बट या आई विल मिस यू. लव यू. बाय बाय. सी या. बाय बाय.
Yep, thanks. Alright guys, mission accomplished. माही को थोड़ा बहुत शायद मुझे लग रहा है शक आया है, लेकिन पूरी तरह से उसे कंफर्म नहीं है. शक इन द सेंस ये नहीं पता है कि मैं दरभंगा जा सकता, लेकिन उसे ये लग रहा है कि शायद मैं कहीं और जा रहा हूँ और उसे छुपा रहा हूँ. वो स्वाभाविक है. अभी तक तो बच गए. बड़ी हंसी आ रही थी जब वो सवाल पूछ रही थी. मुझे ऐसा लगा था अभी पकड़ा गया, अभी पकड़ा गया, अभी पकड़ा गया. सो मज़े की बात यह है कि मेरे बच्चों को ज़रा भी आइडिया नहीं है खुशी राजगीर कि मैं आ रहा हूँ उन्हें देने के लिए. एक्सेप्ट अ कपल ऑफ मनोज के जो फ्रेंड्स हैं उनको मालूम है कि मैं आ रहा हूँ, बिकॉज दे आर द वंस हु गोना बी पिकिंग मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट. लकीली क्या कहते हैं, दरभंगा से आई थिंक 1.5 घंटे का रास्ता है. नहीं तो अगर मैं 1 दिन पहले जाता था तो ये नया नया एयरपोर्ट है जो खुल रहा है आज ही, दरभंगा एयरपोर्ट. और आई गेस मेरी फ्लाइट सबसे पहली फ्लाइट होगी जो वहाँ पर पहुँचेगी. सो आई एम हैप्पी दैट मुझे 7 आवर्स का जर्नी नहीं करना पड़ रहा है फ्रॉम पटना. नहीं तो पटना से 7 घंटे का रास्ता है टिल यू नो मनोज के गांव तक, दरभंगा से और 1 घंटे का रास्ता है. सो आई एम हैप्पी दैट यू नो दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया और मैं आ रहा हूँ. बोर्डिंग शुरू हो गई है. ओ भाई ये कच्चे रास्ते से निकल रहे हैं, ये रहा रनवे और ये कच्चा रास्ता यहाँ पर सामने. बड़ी जल्दी थी लगता है इन लोगों को ये एयरपोर्ट खुलने की. ऑलराइट फ्रेंड्स, आई हैव गॉट माय लगेज और अब मैं सीधे जाऊँगा क्या कहते हैं राजवीर खुशी के घर में. एंड आई एम गोना बी स्टेइंग ओवर देयर ओनली. कोई होटल, कोई लॉज, कुछ भी बुक नहीं किया है. ये एयरपोर्ट आज ही शुरू हुआ है. इट इज़ दी फर्स्ट डे ऑफ दरभंगा एयरपोर्ट. मुझे ऐसा लगा था कि ये पहला फ्लाइट हमारी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली 2 घंटे पहले आई थिंक बेंगलोर की एक फ़्लाइट थी जिसकी पिक्चर्स मैं अभी डालूँगा, वो लैंड हो चुकी थी. तो शावर वाला वेलकम उनको मिल गया जो मैंने सोचा था कि मुझे मिलेगा. एनीवेज अभी धीरज करके मनोज का भाई है, वो आया है मुझे पिक करने के लिए. सो लेट्स सी. मीडिया सब रेडी है यहाँ पर. अरे बाप रे, पहला दिन के लिए इतना स्वाद, इतना मतलब तैयारी की है यहाँ पे तो. ये देखो ये एयरपोर्ट का है एग्जिट और ये मीडिया कर्मी सब वेट कर रहे हैं. कितने घंटे लगेंगे यहाँ से, कितना दूर है? 2 hours 30 minutes मतलब 70 kilometers. अरे बाप रे बाप, 2 hours तक. और यू नो ये मैं बताना चाहता हूँ कि यू नो मनोज मेरा कितना ख्याल रखता है कि आने से पहले ही पानी का बॉटल, मेरा फेवरेट रेड बुल, ये सब कुछ तैयार करके रखा है कि भैया को चाहिए रहता है ये सब. बट दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम. तो चलो फिर शुरू करते हैं. हेलो, आपका नाम? अजय. हाँ, मास्क पहन के रखो, मास्क पहन के बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आए थे उद्घाटन के लिए. आए थे पीएम? आए थे जी, प्रधानमंत्री आए थे जी. अच्छा, बिहार आके गए क्या? हाँ, अभी तो कुछ दिन पहले ही सरसा आए थे. अच्छा अच्छा हो गया. मैं एक्चुअली 5 तारीख को आने की सोच रहा था, 4 या 5 तारीख को. फिर मनोज ने मुझे बताया कि ये एयरपोर्ट खुल रहा है. हाँ. तो मैंने बोला यार, फिर जब 1.5 घंटे का रास्ता जो है. हाँ. वो ज्यादा परवड़ेगा. वो 6 घंटे आपको लगता है वहाँ से यहाँ आने में? 6 घंटा पटना से जी. अरे बाप रे बाप.
पंजाबी सीखे रहेंगे तो भी कोई पंजाबी मिल गया हाँ। तो उससे बात करने में रहे अच्छा रहेगा। नहीं लेकिन एक बार बताओ, मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही पंजाबी औरत से मिला, उसके बाद दिल ही उड़ गया पंजाबी से। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं डे लाइट में ही हमारे बच्चों से मिल लूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखा सकूं, लेकिन अभी वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखिए क्या हो। जी पंचर हो गई गाड़ी, पंचर हो गई। चलो ये पंचर तो हो गए, लेकिन भाइयों ने एक बड़ा अच्छा काम कर लिया कि 2 मिनट पहले ही भजिए ले लिए थे, तो अभी भजिए खाते खाते हम देखेंगे। प्याजी, प्याज है, प्याजी प्याजी बोलते हैं, भजिया नहीं कहते हमारे यहाँ पे, भजिया कहते हैं प्याजी। चलो ठीक है प्याजी खाएंगे। नहीं भाई ये रास्ता इतना खराब है, उसके ऊपर अंधेरा ही अंधेरा, कहीं कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। Thank you everyone for this beautiful welcome. अच्छा बेटा आपको पता है आज कोई सरप्राइज तुम्हें मिलने वाला है? कौन सा? बहुत ही बड़ा सरप्राइज। पटाखा? नहीं बेटा कुछ और। गैस करो गैस करो गैस करो। आज भी खुशी को आइडिया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। हेलो हाय व्हाट्स अप हाय बड़ी नहीं आने पर आज कैसा लगा बेटा सरप्राइज? कैसा लगा? अब मैंने इसे कहा था कि मैं तो नहीं आने वाला, तुम देख लो जब तुम्हें ठीक लगे, लेकिन कल ही बात हुई ना हमारी, और आज आ गए भाई, कितनी लंबी हो गई है खुशी, कुछ बताओ कौन कैसा लग। तो ये क्या नाम है आपका? राजन कुमार जी। वो ये हमारे खुशी राजवीर के टीचर है राइट, हिंदी और इंग्लिश सिखाते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ राजवीर हाँ, मैं एक्चुअली उल्लू बना रहा था तुम दोनों को, मैं उल्लू बना रहा था, मैं तो आने वाला था लेकिन आपको बताया नहीं, मम्मी को भी पता था। सरप्राइज होता है। ये देखो अच्छे बच्चे सब मिलने आए हैं। मम्मी पापा किधर है? मनोज के मम्मी पापा किधर है? हाँ ये रहे। किधर है? हाँ मिजले पापा। कैसे आप? कैसे आप? अरे कैसे आप? बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके। वैसे किन्हीं को विश्वास नहीं हो रहा कि आप आ रहे थे। विश्वास नहीं था आपको, किसी का नहीं विश्वास नहीं था आपको। अच्छा बाद में सब। माय गॉड आपको ये भी पता चल गया कि मेरा नया फोन आ गया है। अच्छा मुंबई जाना है कि नहीं? कल तब क्या भोज खाने के लिए रुकना है? भोज खाएगा? भोज खाएगा? अच्छा एक कोरोना तेरे को पता है, एक है एक ही बचा हुआ, बाकी सब खत्म हो गया। मकान देख के जाएगा? नहीं आपने तो बोला था ना कि आपको मुंबई नहीं आना। नहीं नहीं आपने बोला था, नहीं नहीं आपने तो राजवीर ने बोला था कि उसको आना है, तो फिर मैं वो आएगा कल। बाकी खुशी तुम तो नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मम्मी और राजवीर को लेने गया। जब हमने पूछा था कि मुंबई आओगी तो फिर मैं राजवीर ने बोला था हाँ आपने ना बोला था, तो फिर मैंने टिकट भी राजवीर की है। नहीं किया आप इधर रहो, आप इधर ही रहना, इधर ही रहना। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, डोंट लाफ बिकॉज अर्ली मॉर्निंग यू विल नॉट सी राजवीर एंड मी, वी बोथ आर गोइंग।
मुंबई ये नहीं 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 खुशी डोंट ट्राई टू बी फ्रेंडली विथ मी यू आर नॉट कमिंग टू मुंबई राजवीर इज कमिंग शो मी योर हाउस एट लीस्ट यार बताओ कहाँ पे क्या है यही मेरा हाउस है हाँ तो दिखाओ दिखाओ जरा ओके ये आपका रूम है और यू गॉट अ न्यू टीवी आल्सो वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस Oh, nice. Very nice. And then? You have remote also. Wow. This is my bed. मनोज के भी घर में है मानी का कोई शो चल रहा है जो मुझे भी नहीं पता ये कौन सा शो है ये शो है कौन सा छोटी बात नहीं सावधान इंडिया ना ये मुझे भी लग रहा है इनमें मुझे लग रहा है यही औरत अभी इस आदमी को मारेगी और फिर जेल में जाएगी हाँ वही है हाँ हाँ बराबर बोले आप लोगों ने हाँ ये बोल रहे कि सावधान इंडिया ये मैंने देखी ये एपिसोड की एक आदमी को कैसे ये औरत झांसे में लेती है उसे फैला फुसला कर यू नो उससे शादी करती है और उसके बाद कैसे उसको धोखा देती है और उसका मर्डर करती है हाँ फिर खुद जेल भी जाती है हाँ ये यही था कहानी हाँ कौन देख रहा था ये आप देख रही थी ये शो हाँ आप देख रही थी क्यों ऐसा क्या दिखा ये शो में आपको चालू ही किया था ये शो क्यों देख रही थी तुम मुझे अच्छा लगता है कुछ पता है ये क्या मतलब क्या था एपिसोड में क्या हो रहा है इस एपिसोड में आगे देख ये क्या है ये एक बच्चे की कहानी छुपा बच्चे की कहानी है लेकिन उसमें ये औरत क्या करती है इसका क्या रोल है वो जो बच्चा डॉक्टर अच्छा ये डॉक्टर थी अच्छा अच्छा मेरे को लगा कि वो कुछ धोखा देती है किसी को किसी आदमी को ऐसा वो वाली कहानी नहीं है ये अच्छा अच्छा ठीक है सो गाइज कुछ ही देर हो गई है मुझे यहाँ पर पहुँच के मनुष्य के घर पहुँच के बट आई एम रियली लविंग द विलेज फील बड़ा कमाल का है नाम भूल गया गांव का भिंडवा है गांव का नाम एंड रियली लविंग दिस होल फील बहुत ठंड भी है यहाँ पर जो यूजुअली बॉम्बे में नहीं होती सो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर एंड यहाँ का खाना इतना प्योर है इतना कमाल का है कि क्या बताओ यार मतलब मुझे मनोज कह रहा था कि प्लीज़ होटल में रह लो मेरे घर में मत रहना क्योंकि मेरा घर ऐसा नहीं है जैसे आप सोचते हैं लेकिन आई इंसिस्टेड दैट यू नो आई वांट टू स्टे विथ योर फैमिली आई वांट टू स्टे विथ तारा खुशी फॉर अ डे सो वही किया मैंने जैसे पहुंचा तब से तारा तो राजवीर और खुशी के साथ सॉरी राजवीर और खुशी के साथ रहा हूँ और ये देखिए आज खुशी हमारे साथ यहाँ पर सो रही है राजवीर अपनी मम्मी के साथ सो रहे हैं एंड मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ सो कल बातें करेंगे और कल की जर्नी भी शुरू करूँगा और एक और सरप्राइज़ है जो आपको बताना है वो कल पता चलेगा हो गया देखिए मच्छरदानी तैयार हो चुकी है ये देखिए मेरे लिए कितनी तैयारी की है मच्छरदानी तैयार है मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ जल्दी से चेंज करूँगा सोऊंगा और कल जल्दी उठ के तो आपको पूरा गांव दिखाना है मुझको यार तो सी यू टुमारो बाय